नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपको हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करें, समय के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में समय का क्या महत्व, मैं छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की और समझाने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों आइए हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि एक साल की कीमत उस स्टूडेंट से पूछो जो एक साल खूब मेहनत की, लगातार मेहनत करने के बाद रिजल्ट आता है, और रिजल्ट क्या आता है कि वो अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया है। कहते हैं एक महीने की कीमत उस इंसान से पूछो जिस इंसान ने दिन रात मेहनत की, ओवर टाइम लगाया, उसे सैलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मालिक कहता है कि सैलरी इस महीने नहीं अगले महीने मिलेगी, और इसकी वजह से उसे सैलरी नहीं मिली। एक हफ्ते की कीमत उस इंसान से पूछो जो पूरे हफ्ते हॉस्पिटल के अंदर रहा हो, अपने अपनों से दूर, और एक घंटे की कीमत उस इंसान से पूछो जिसने वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब का फूल हाथ में लेकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार किया हो, और उस इंसान की गर्लफ्रेंड उससे ना मिलनी आई हो, और वो खाली हाथ इंतजार कर वापस निराशा के साथ चला जाए। एक दिन की कीमत उससे पूछो जो इंसान पूरे दिन भूखा रहा हो, पूरे दिन खाया पिया कुछ भी नहीं उस इंसान ने, और एक मिनट की कीमत उस इंसान से पूछो जिसके सिर्फ एक मिनट लेट होने की वजह से ट्रेन छूट गई। एक मिनट लेट होने की वजह से ट्रेन छूट गई और भाई साहब उसे टिकट कैंसिल कराने जाना पड़ा, उस पर 30 रुपये का लॉस सहना पड़ा उस इंसान। एक सेकंड की कीमत उस इंसान से पूछो जो बाल बाल एक्सीडेंट होने से बचाओ, मरते मरते बचाओ, उस इंसान से पूछो एक सेकंड की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से एग्जांपल के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी ज़िंदगी में समय का क्या महत्व है, क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। सो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो आपका कीमती समय, उसे सही जगह पर सदुपयोग करें, सही जगह पर उसका इस्तेमाल करें। सो थैंक यू सो मच यार, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी और आपने इससे क्या सीखा। सो थैंक यू सो मच।